हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग खाना वाना खा के पूरा नहा वहाँ एकदम रेडी हो चुके हैं और हम लोग आ गए अपने खेत के पास। और हमारे खेत का कुछ इस तरीके से नज़ारा आप लोग देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों। और आज हम लोग जाने वाले हैं अपने बागीचे में, जो कि पास में हमारे गाँव के पास है बागीचा, हम लोग उसी में जाने वाले हैं। और वहाँ पर काफ़ी तगड़ा व्यू बनता है दोस्तों, तो आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, हम लोग बारात घर के पास आ गए हैं और आप लोग को दिखाते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ देर में पहुंच जाएंगे अपने गांव के बागीचे में, जो कि सरकार का है दोस्तों, मेरा नहीं है। और आप लोग को दिखाते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, यहां पर इतना काम हुआ है और यहां पर बहुत स्लो काम हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो, पूरा मट्टी उट्टी वैसा ही है। और आप इस यहीं से इसी के रास्ते, बारात घर के रास्ते ही हम लोग जाते हैं अपने बागीचे में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कुछ लड़के स्टैंड कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इनसे बात करते हैं और इनका स्टैंड देखते हैं, जो कि देहात के हैं दोस्तों। और गांव में स्टैंड करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो बाबू, आप लोग एक बार करके दिखाइए कैसे कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं और देख सकते हो दौड़ कर फिर स्टैंड मार रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इनसे सेटअप के बारे में पूछते हैं, ये लोग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये बताओ बाबू, आप लोग कैसे करते हो सेटअप, अपना कैसे बनाते हो, बना के दिखाओ। तो देख सकते हो भाई लोग, एक कुछ इस तरीके से ईंट लगाते हैं और ईंट लगा के कुछ वहाँ पर थोड़ा सा बराबर करते हैं, उसके बाद से ये अपना सेटअप बनाते हैं कुछ इस तरीके से। आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से अपना सेटअप बनाते हैं, जो कि यहाँ से पैर रखते हैं, उसके बाद से उछाल मारते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बाबू, एक बार आप लोग बारी बारी से करके दिखाइए, सभी लोग करके दिखाइए। तो देख सकते हो दोस्तों, दौड़ रहा फिर उसके बाद से देखिए। क्या अच्छा स्टैंड मार रहे हैं। गांव में दोस्तों ऐसा करना नामुमकिन तो नहीं है, सफलता सबको मिलती है, बस उसके लिए मेहनत करना पड़ता। और करिए भाई साहब, हम लोग भी देखेंगे थोड़ा सा, हम लोगों को भी सिखाइए। तो दोस्तों, आप लोग देखिए, यही है ग्रुप, इन लोग का चारों लोग का ग्रुप है और एक लोग वहाँ पर घूम रहा है। ये चारों लोग का ग्रुप है जो कि स्टैंड करते हैं दोस्तों। यही हैं चारों लड़के जो कि स्टैंड बाज हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और एक बार आप लोग को फिर से इन लोग का स्टैंड दिखा देते हैं। चलिए, आप लोग देख सकते हो यही बच्चे हैं जो कि स्टैंड मारते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा लग रहा था और इतनी ऊपर ऊपर कूद कूद आ रहे थे, मेरे को डर लग रहा था। मैं वीडियो शूट कर रहा था, काफ़ी डर लग रहा था दोस्तों, और काफ़ी मेहनत भी लग रहा था, चोट भी लग रही थी दोस्तों इन लोग को, जो कि पैर में लगता है, यहाँ पर पैर चोट लगता है दोस्तों। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और इनसे नाम जानते हैं, इन लोग का नाम हो क्या है। तो बाबू, आप अपना नाम बताओ। संदीप मौर्य। आपका नाम क्या है? आपका? किशन प्रजापति। आपका? अंश मौर्य। तो ये बताइए, आप लोग स्टैंड किससे सीखते हैं, कोई बताता है या यूट्यूब से सीखते हैं? यूट्यूब से। तो क्या सर्च करते हैं आप? टीचर वॉइस में। अच्छा, तो आप लोग उन्हीं से सीखते हो। अच्छा, तो ये बताइए कि मतलब आप जब वहाँ से कूदते हो तो आपको चोट नहीं लगता? नहीं। चोट तो लगता होगा, इनके कूदते हैं। पहली बार किया तो चोट लग रहा था, अब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए हमें चोट लगता है। कितने दिन हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए? दो तीन दिन हो गए आपको। और दो तीन दिन में आप लोग कूदना सीख गए? अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। हम मेरे को लगता है दोस्तों, ये लोग बहुत आगे जाने वाले, जो कि दो से तीन दिन में ये लोग उछलना मतलब स्टैंड मारना सीख गए, तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा और स्टैंड तो काफ़ी खतरनाक लगा मेरे को भाई। इसके लिए बस इतना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। दोस्तों, ये लोग कह रहे हैं वीडियो को वायरल कर दो, तो कर दो यार, प्लीज़ कर दो।